हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछ रहे हैं कि हम आंसर कीपर चैलेंज करें या नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर 1000 रुपए की जो फीस है वो काफी बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर चैलेंज को करने से भी बड़ा चैलेंज है कि 1000 रुपए की फीस, जिसे कि एक जो नॉर्मल बच्चा है या कोई भी के लिए 1000 रुपए फीस काफी ज्यादा होती है, वो उसे चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो क्या सही तरीका रहेगा चैलेंज करने का, और अगर चैलेंज करना ही है, कोई गलत क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हो रहे हैं, ठीक है, आपके द्वारा जो बताए गए, तो चैलेंज करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम कैसे डिसाइड करें, या चैलेंज करें तो कैसे करें, हमारे 1000 रुपये कहीं वेस्ट ना चले जाएँ। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, देखिए इसमें होता क्या है, कोई भी कैंडिडेट जब एक बार चैलेंज कर देता है, तो जैसे ही दूसरी बार जो कोई अलग अगला बंदा चैलेंज करेगा, तो अगर उसे एक बार चैलेंज कर दिया है तो वो एक बार सबमिट हो जाता है बाकी सारे जितने भी एग्जाम होते हैं। अगर किसी बंदे ने एक चैलेंज कर दिया है उस क्वेश्चन को, और दूसरा बंदा सेम वही क्वेश्चन चैलेंज करता है, तो वो चैलेंज नहीं होता, क्योंकि एक बार उसे ऑलरेडी कर दिया गया। बट यहाँ पर सेट लगे तो हो सकता है वो हो जाए, बट ठीक है, यहाँ पर अगर आपको चैलेंज करना है तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको करना ही है तो, ठीक है, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और उन लोगों को चैलेंज करना चाहिए जिनके बिल्कुल बाउंड्री पे मार्क्स हैं, और उनको लगता है कि यार 1-2 नंबर मेरे अगर इसमें बढ़ जाते हैं तो मेरा सिलेक्शन होने के चांस है, तो वही आप करिएगा, वरना मत करिएगा। और चैलेंज जो भी कैंडिडेट करेगा उसको इतना ध्यान रखना है कि उस जो क्वेश्चन है उसका, उसके पास प्रॉपर प्रूफ के साथ आंसर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अपने मन से नहीं बोलना कि इसका तो ये होना चाहिए था, इसका ये, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, कहीं पे आपके लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं पर आपका बुक्स में ऑफिशियल जो बुक होती है, आंसर की वगैरह जो होती है, मतलब कुछ भी जो भी होता है उसका आंसर एक प्रॉपर तरीके से निकला हुआ होना चाहिए, उसका आंसर एक सटीक तरीके से निकला हुआ होना चाहिए, और बिल्कुल उसका एक्यूरेट जो बुक के माध्यम से, किसी भी ऑफिशियल चीज़ के माध्यम से उसका आंसर मैच होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को चैलेंज करिएगा। ऐसा नहीं कि बस मुझे सब लोग बोल रहे हैं तो हम इसको लगा दें, सब लोग नहीं, जो बुक बोलेगी वही आपको लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा 1-2 मार्क्स से, तो आप जाके जो है चैलेंज कर दीजिए, और अगर आपका चैलेंज सही होगा तो आपको 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज अगर आपका सही है तो ही करिएगा, तभी आपके पैसे वापस आएंगे। अगर आपने चैलेंज कर दिया और उस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं था जो आपने किया, तो आपके 1000 रुपये चले जाएंगे। तो इस चीज़ का बस विशेष ध्यान रखिएगा कि सही आंसर आपको पता है तभी करिएगा, विद प्रूफ के साथ, ठीक है। इतना ही मैं बोलूँगा इस वीडियो में, बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, कट ऑफ का वीडियो आ चुका है, देख लेना, नहीं देखा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।